से पेशन गुई था कि 4 से लेके 6 तारीख के बीच में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अफेक्ट करने का इम्कान है। तो इसी तरह बिल्कुल 4 तारीख को मौसम उबरहलुक रहेगा, बल्कि 4 के देर रात को चंद जगहों पे हल्की फुल्की खास करके पहाड़ी इलाकों में बर्फ भी हो सकता है। तो 5 तारीख को इसका मेन एक्टिविटी है। 5 तारीख को जम्मू कश्मीर के खास करके कश्मीर के पूरा मैदानी इलाकों में हल्की बर्फ़ पड़ने का इम्कान है। 1 से लेकर 2 इंच तक बर्फ़ पड़ सकता है, चंद जगहों पे 3 इंच तक भी पड़ सकता है और पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे के बर्फ़ पड़ेंगे। चंद जगहों पे हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है, हालांकि चांसेस कम ही है, बर्फबारी ज़्यादा होने का चांसेस कम है। और जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश होंगे, चिनाब वैली जम्मू के भी पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फ़ पड़ने का इम्कान है और लद्दाख के खास करके जोजिला द्रास और कारगिल जंस्कर एक्सिस में भी हल्की बर्फ़ पड़ने का इम्कान है और जोजिला साइड में तो तकरीबन 5 से लेकर 6 इंच तक भी बर्फ़ पड़ने का इम्कान है। एज़ फार एज़ इसका प्रोबेबल इम्पैक्ट की बात करें तो जब भी बर्फबारी होते हैं तो पहाड़ी इलाकों में खास करके जैसे श्रीनगर जोजिला सतना टॉप मुगल रोड और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे इसी तरह जो भी सिंथान टॉप वगैरह में 5 तारीख को थोड़ा ट्रैफिक डिस्टर्ब भी हो सकता है बिकॉज ऑफ स्नोफॉल एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, क्योंकि बर्फ़ और लो टेम्परेचर जब होते हैं तो इससे गाड़ी फिसल जाते हैं। इसीलिए हमारा एक एडवाइस यही रहेगा जब भी 5-6 को जब आप ट्रेवल करते हैं अगर आपका किसी का प्लान हो तो इससे पहले जैसे प्लान इसी हिसाब से बनाइए और ट्रेवल करने से पहले ही जो कंसर्न ट्रैफिक महकमा है वो उनसे रब्ता करके ही जाना है, क्योंकि उससे आपका मतलब कन्वीनियंट रहेगा, नहीं तो फिर बाद में काफ़ी दिक्कतें आ जाते हैं।